नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के कैबिनेट मंत्रियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कौन होते हैं कैबिनेट मंत्री। भारत का कैबिनेट मंत्रिमंडल भारतीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सरकार की नीतियां और निर्णय लेते हैं। ये मंत्री विभिन्न मंत्रालयों का प्रभार संभालते हैं और उन्हें चलाने की जिम्मेदारी निभाते हैं। अब जानते हैं कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है। कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। प्रधानमंत्री कैबिनेट का मुखिया होता है और उनके साथ अन्य वरिष्ठ मंत्री होते हैं जिन्हें विभिन्न मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी जाती है। अब देखते हैं मंत्रालयों का विभाजन किस प्रकार होता है। कैबिनेट में अलग अलग मंत्रालय होते हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और भी कई महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं जिनका काम देश की प्रगति और विकास में अहम भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारियों के बारे में। कैबिनेट मंत्री की मुख्य जिम्मेदारियां होती हैं नीतियों का निर्माण और इम्प्लीमेंटेशन, बजट का प्रबंधन और आवंटन, संसद में अपने मंत्रालय से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्णय लेना। कैबिनेट की नियमित बैठकें होती हैं जिनमें देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है और सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। ये बैठकें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा परिचय भारत के कैबिनेट मंत्रियों के बारे में। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या आप किसी विशेष विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कृपया कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।